गाइस अब अनबॉक्सिंग कर ली है सबकी जैसा कि आप देख रहे हो। अब मेरे को इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा मदरबोर्ड और इसमें फटाफट से ना हम लोग सीपीयू जो है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं फटाक से। और मेक श्योर कि आपने कुछ ना कुछ पहना हो पैरों में अर्थ वगैरह के लिए, यू नो अर्थिंग वर्थिंग आ जाती है तो करंट वगैरह लग सकता है आपको। और क्योंकि मैं ये वाला नहीं यूज़ करने वाला, मैं अपना AIU जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, जो हाई परफॉर्मेंस फ़ैन है उसको यूज़ करेंगे हम। और बहुत बेसिक सा टर्म है इसको यूज़ करने का, अगर आप देख रहे हो तो कुछ नहीं है। इसको ओपन करना है हमें, मैं पास से भी आपको दिखा दूंगा, देखो। हाँ तो गाइस मैंने फ़ोन भी सेटअप कर लिया है, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा। तो ये रहता है हमारा CPU, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहता है हमारा CPU, अगर आपको दिख रहा है तो। और इसको लगाने का बहुत ही, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। फिर ये जो आप देख रहे हो पिन, इसको हम स्लाइडली पैक करेंगे, बिल्कुल प्यार से खुल जाएगा ये। देन ये वाला कैबिन खोलेंगे और एक साइड पर कॉर्नर पे ना इसके एक निशान होता है, यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है अभी, निशान होता है। और सिमिलरली हमारे CPU जो होता है ना प्रोसेसर में भी एक छोटा सा डॉट होगा, अगर आपको दिख पा रहा है तो। ये देखो ये रहा, ये इधर है और ये इधर है, तो इस दोनों को कंबाइन करके हमें रखना है बहुत स्मूथली, ये इस तरीके से डन, ये रख गया। अब हम इसको बंद कर देंगे, जब हम इसको करेंगे तो ये क्लिप जो है निकल आएगी, ये देखिए ये जो। और इसको संभाल के रखना है गाइस, आपको कवर को, ये कवर आपको संभाल के रखना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे इस तरीके से, दैट्स इट। तो ये CPU हमारा इंस्टॉल हो गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम फटाफट क्या ऐड करेंगे, रैम और NVMe, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। NVMe और रैम ऐड करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मेरी 2 16 GB की स्टिक्स है, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है, सी ये है हमारी रैम XPG की। और फटाफट इसको लगा लेते हैं हम स्लॉट के, ये खुले हुए हैं ऑलरेडी। बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो कट है ना, इस कट को मैच करना है हमने, यहाँ ये एक्यूरेटली मैच कर रहा है जो भी साइड पे, यहाँ ये यहाँ मैच कर रहा है या उल्टा करके मैच करेगा लाइक दिस, वो आपको देख लेना है। फिर कुछ नहीं करना आपको, इसको इस तरीके से अंदर हम इंसर्ट करेंगे और प्रेस करेंगे हल्का सा, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा लाइक दिस, आपको आवाज आ जाएगी कटक। ये देखिए एक ये स्लॉट बुक हो गया है पूरा। अब दूसरा लगा लेते हैं अपनी, देखिए इसको भी हम फटाफट लगा लेते हैं सेम तरीके से और प्रेस करेंगे, हो गया। ये भी हो गया, ये को लिए लग चुकी है दोनों सुंदर से। अब आती है बारी गाइस इस प्रोडक्ट की जो है NVMe, ये आ गई हमारी NVMe, ठीक है। अब इसके लिए मेरे पास दो स्लॉट्स है गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, एक ये स्लॉट है एक ये स्लॉट है, ठीक है ना, एक ये स्लॉट है एक ये स्लॉट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वाले में इसको इंस्टॉल करूँ। इस वाले में इंस्टॉल करने का रीज़न ये है, 1 TB की ये है और 1 TB सफिशियंट है यूज़ करने के लिए। तो हम इसको करने को मैं इस वाले में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आउटसाइड ही रहे, अगर कभी चेंज वेंज करनी हो तो मैं कर पाऊँ उसको चेंज अच्छे से। देखिए तो इसको कैसे लगाना है, बस कुछ नहीं करना हमको अच्छे से, बस ये जो आप देख रहे हो क्लिप यहाँ पर, इसको हमें बाहर रिमूव करना है अच्छे से। ये देखो ये निकल आई पूरी, अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग मदरबोर्ड में। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, बहुत प्यार से इंसर्ट करेंगे, ये लग गई। इसको डाउन करेंगे यहाँ पर और ये फिर से लगा देंगे, दैट्स इट। NVMe देख, जैसे आपने देखा कि लग गई है अपनी रैम्स लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसके अंदर CPU के अंदर, मतलब सॉरी कैबिनेट के अंदर आप इसको लगाते हैं, और वो लगाने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्क्रूज वगैरह इसके साथ आते हैं और इसके अंदर से भी बहुत तरीके से लगाने का है, आपको ये नहीं कोई भी स्क्रू कहीं भी लगाना है, वो मैं आपको दिखा दूँ अभी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आ जाती है हमारी कैबिनेट, जिसके अंदर ये चार आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 है, इनको मैं ओपन करता हूँ अभी और लगाते हैं मदरबोर्ड। और गाइज ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये लगेगा
कहाँ, यहाँ पर, इस जगह पर ये लगेगा। ये बहुत इजीली लग जाता है गाइस, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस तरीके से आपको प्रेस करना है इसको फंसा कर, और प्रॉपर ये लग गया, ये लग गया। अब हम इसके अंदर मदरबोर्ड को लगा देते हैं अपने, इस तरीके से। ये मदरबोर्ड का जो हमारा यू नो बैक साइड वाला पैनल है, इसमें हम अच्छे से लगा देंगे ऐसे। तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं स्क्रूज सारे, थोड़ा सा एडजस्ट करके मदरबोर्ड को, पर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना आपको, कि बहुत एक्सेस में आप टाइट कर दो, नहीं, एक एंड पे आके आपको उसको ड्रॉप कर देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हल्का सा बस टाइट रहे। अब इस एरिए से हमें स्टार्ट करना है अपना SMPS, तो चलो इसको लगाते हैं SMPS को। ये 3 फैंस हैं इस साइड से, ये देखिए गाइस, ये सारे इसकी वायरिंग वगैरह है जो कि मदरबोर्ड में लगेंगी। इसको मैं इधर इंटेक्ट कर देता हूँ फिलहाल, और लगाते हैं अपना SMPS। तो SMPS लगाने का कोई बहुत रॉकेट वाली साइंस नहीं है, जिस तरीके से भी आप लगाना चाहो, चाहे आप ऐसे लगाना चाहो, चाहे आप ऐसे लगाना चाहो, लेकिन जनरली ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये इसका फैन है जो कि नीचे ब्लो करता है इन जगह पे, तो हमने ये ऐसे ही लगाना है, याद रखना, ये कन्फ्यूज मत होना, ये जहाँ फैन होगा उस साइड पे हमें डाउन करना है इसको। तो ये हमने इसको इंसर्ट किया यहाँ पर, देखिए ये आ गया यहाँ पर, अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको आप लगाइए, अपने आप आपको होल दिख जाएंगे, एंड देन जस्ट स्क्रू इट, एज सिंपल एज दैट। देखिए बहुत ईजी है, नॉट अ बिग डील, इसको हम यही लगा लेते हैं। ये हमारी पावर सप्लाई लग चुकी है गाइस। अब आती है इसके कनेक्शन की बारी, कि हमने कनेक्शन किस हिसाब से करने हैं। यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है, तो हमने एक जो ये वाली वायर्स है हमारी, जो ऑन ऑफ वगैरह की या अपनी USB वाली वायर है, इसको हमने कहाँ से मूव करना है, इस साइड से, और ये सारी वायर मूव करेंगे इस साइड से। तो फटाफट इसको हम ऐड कर लेते हैं गाइस इसमें। ये तो मैंने यहाँ से दे दी, लेकिन मैं इसको यहाँ से ना देकर और ऊपर से दूंगा, यहाँ से, ये वाली जो वायर्स है इसकी सारी। इसके अंदर होती है आपकी रीसेट बटन, यू नो LED वगैरह की सारी वायर्स होती हैं इसके अंदर, तो हम इसको यहाँ पर से मूव करेंगे एज वेल एज, और इस वाली वायर को सबको, मतलब मेन तो ये पावर की है वायर, मतलब ज़्यादा नहीं हमने मूव करनी इसके अंदर, सिर्फ एक ये जाएगी यहाँ से, इसको मूव कर देंगे। और ये जो वाइट वाली आप देख रहे हो फैंस की वायर है गाइस, ये हमने एक डाल दी, और उसके अलावा हमें डालनी है एक ये वाली वायर, देखिए ये वाली, जिसके अंदर 8 दिए हुए हैं स्लॉट। GPU में लगी गाइस ये आपकी जो हमारा ग्राफिक कार्ड है, तो इन दोनों को भी हम मूव करेंगे इनसाइड। उसके अलावा और कोई वायर आपको नहीं चाहिए यहाँ पर, उसके अलावा सारी वायर्स को आप क्या करना है, इकट्ठा करके, और एक वायर गाइस क्या रहेगा, एक वायर लगेगी यहाँ पर इसमें, जो हमारा फैन का है, ठीक है, फैन वाले उसमें एक वायर लगेगी हमें, जो थोड़ी ओल्ड वाली होती है, अच्छे से इसको लगा देंगे ताकि फैन हमारे रन कर सके, मूव कर सके। ध्यान रखना गाइस, ये वाला रहता है पतला वाला नहीं रहता, इसको अच्छे से लगा देंगे, यहाँ से हम इसको कर देंगे बंद इस तरीके से। बहुत अच्छी क्वालिटी की कैबिनेट है भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी की कैबिनेट एकदम। तो गाइस अब आ जाते हैं आप मदरबोर्ड में, आप कैसे कैसे हमें बिल्ड करना है सब कुछ। ये हमारी USB 3.2, ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, सारे यहीं पे हैं। ये वाला देखिए आप, ये वाला जो होता है ये इसमें लगेगा, मेन एक साइड पे आप देखोगे पिन नहीं है यहाँ पर, मतलब पिन के लिए होल नहीं बना हुआ, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और ये इजीली लग गया, जैसे आपने देखा इजीली ये लग गया। ये है USB का, ठीक है, USB का लगा देते हैं, सेम वही एक कॉर्नर में नहीं है, ये लग गया USB का। ये आ जाती है मेन पावर जो कि किधर लगेगी, इसको भी देखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम आउटसाइड करके दबा के लगाएंगे इस तरीके से, जगह नहीं है, दिख नहीं रहा, बट कोई नहीं, ये लग गया आप अच्छे से, ये लग गया। अब एक और है हमारे पास ये वाला, ये भी पावर के लिए लगता है, इसको हम यहाँ से घुमाकर
यहाँ लगा देंगे इस तरीके से सेम, ये लग गया बहुत इजीली। हालांकि मैं इसको घुमा के भी ला सकता था। अब आ जाता है हमारा क्या, ऑडियो। ऑडियो का आप यहाँ देखोगे बिल्कुल एंड में मिलेगा आपको, ये रहा ऑडियो के लिए, आप देख सकते हो ऑडियो लिखा हुआ है। इसको लगाते हैं हम, इसमें भी वही सेम है कि इसके अंदर एक छोड़ कर दिया हुआ है तो उसी हिसाब से आपको लगाना है, मतलब सब में ऐसे ये मोस्टली इसमें एक जो है पिन नहीं दी हुई, ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए ये कहाँ लगने वाला है। अब जो होते हैं गाइस, अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट क्या है दिखाता हूँ आपको। तो ये है ट्रिकी पार्ट गाइस, जिसमें आपको ये छोटे छोटे लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ईजी है, ऐसे ज़्यादा डिप वो मत होना कि भाई कैसे लगेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हो तो सारे आपको दिए हुए हैं। देखिए अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको दिस साइड, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छे से देखो, सबसे पहले लिखा है पावर LED, फिर HD, ठीक है, उसके बाद लिखा पावर, फिर रीसेट बटन लिखा हुआ है, बस यही है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ सारा। ये देखो, ये लगाता हूँ पहले मैं रीसेट वाला, ठीक है, जो कि लगने वाला है यहाँ पे फर्स्ट दिस साइड, लग गया। उसके बाद तुम्हारा HHD का आ जाएगा, जो कि लगेगा इधर। उसके बाद लगेगा पावर का, जो लगेगा जस्ट पीछे इसके, किसके, रीसेट के, दैट्स इट। और लास्ट वन दो, जो कि है प्लस और माइनस LED के लिए। ये हमारा आ जाएगा प्लस वाला फर्स्ट दिस साइड कॉर्नर में, ये लग गया। दिस साइड सॉरी, लास्ट वन ये वाला। और ऐसा नहीं गाइस, इसको आप कैसे भी लगा सकते हो कि घुमा फिरा के, जैसे मर्जी लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ आपको कंफर्टेबल लग रहा है फेस उसका करना, वहाँ पर लगा दो। बस ये चार लग गए हैं, चार और पाँच जो भी है। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या गाइस। ऑलमोस्ट ये सारा रेडी हो चुका है PC। बारी आती है इस चीज़ की, जो कि है हमारा GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड, जो कि बहुत पावरफुल है। तो चलो अब इसको लगाते हैं, कैसे लगेगा ये देखिए गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही सेफली हम लोगों को ये लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं इंचेस है, ये यहाँ पर आराम से, बहुत आराम से इसको, जैसे हम रैम लगाते हैं सेम इसको दबा देंगे, अपने आप लॉक हो जाएगा यहाँ से और वहाँ से। अब इस जगह पर अगर आप देख पा रहे हो, इस जगह पे हमें एक स्क्रू लगा देना है, ताकि वो अच्छे से लेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर हम स्क्रू लगा देंगे एक, ये देखिए आराम से, ताकि ये हिले ना। ये बहुत अच्छे से पैक्ड हो गया। अब इसके अंदर क्या लगेगा हमारा, ये वाला, इसके अंदर 6 स्लॉट होते हैं। बहुत प्यार से इसको भी लगा देंगे हम यहाँ पर, और ये लग गया, ताकि हमारे GPU में सप्लाई जाती रहे, करंट की करंट जाता रहे। बाकी सारी वायर को थोड़ा सा अंदर कर देंगे हम, ताकि ये लुक अच्छी रहे तो है इसकी। बाकी अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा ये, उसको हम अभी ऐड करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो चीज़ है ना, इसको संभाल के रखना है। इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे लगाना है, क्योंकि ये बना होता है दो कंपोनेंट्स के हिसाब से, दो CPU के हिसाब से, जो होता है AMD का और Intel का। तो हम इसको, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या है इसमें। इसे डिटैच कर लिया है मैंने मदरबोर्ड, रीजन बिहाइंड कि ये बहुत सेफली लगाने वाली चीज़ है। तो इसको आप लगाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे रखा जाएगा, और बस इसका कूलेंट जो पेस्ट है वो लगा देता हूँ, फिर अपना इसको लगा के सेट कर लेंगे। पेस्ट लगाना बड़ा एक टास्क है गाइस, उसको ज़रा ध्यान से देखना कि पेस्ट कैसे लगाया जाएगा इसमें। सो गाइस, पेस्ट को कैसे लगाना है, जैसे कि ये मेरे पास इसके साथ ही आया था, इसको ओपन करेंगे आराम से, पेस्ट को इसके ऊपर डालेंगे, दैट्स इट, फिनिश हो गया, ये सफिशियंट हो गया।
तो मैं ये अब लगा रहा हूँ स्क्रू, पहले हाथ से लगा रहा हूँ फिर इसको टाइट कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा काम हो जाता है। फिर इसको स्क्रू से आप टाइट करो अच्छे से, स्क्रू ड्राइवर से आप इसको टाइट करो देना। और गाइस अपने आप ही स्क्रू टाइट होना बंद हो जाएगा, तब आप स्टॉप कर देना ज़बरदस्ती उसको, नहीं आपको टाइट टप करना, दैट्स इट, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा स्क्रू होना। यार जब हमारे श्री 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 सुपरमैन जी, जो सुपरमैन मूवी में एक्टर है, वो जब असेंबल कर सकता है, तो हम तो भाई बिल्कुल नॉर्मल साधारण से इंसान हैं। बस अब क्या है ना गाइस, ये वाला पार्ट अब मैं पीसी के अंदर इस जगह पर मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप इसको थोड़ा सा अप करोगे या हो जाएगी अगर आपको काम करना है तो, ठीक है, इस तरीके से। और एज वेल एज आप इसको टिल्ट करोगे ना, टिल्ट करना चाहते हुए टिल्ट भी हो जाएगा। ये देखो इस मोड में आपको काम करना है, इस मोड में भी आप काम कर सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये था। और इसकी जो 4K क्वालिटी है वो तो है ही, नो डाउट, बहुत अच्छी। तो ये एक रीज़न था जो मैंने ये वाले डिस्प्ले परचेज किया है। तो ये पबजी सेटअप कर लिया गाइस मैंने, अब आपको दिखा दूँ खेल के इस कंट्रोलर से, यू नो एंटी स्पोर्ट का ये है, काफ़ी रिजनेबल आता है ये और बड़ी अच्छी इसकी गेम प्ले है और सारे वाइब्रेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, नो डाउट। तो अब दिखाता हूँ मैं पबजी खेल के आपको, ठीक है, और खेलने वाले इससे, बट मर्जी आपके, आप कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं और इससे भी खेल सकते हैं, इससे थोड़ा हैंडी रहता है। बस गाइस बाबा इसको कैसे लगाते हैं, ये चीज वगैरह इसे साथ में आता है, इसको ओपन करेंगे आराम से, फिनिश हो गया, ये सफिशिएंट हो गया। और किसी भी कार्ड की मदद से आपको इसको इस पर स्प्रेड करना है अच्छे से, इवनली आपको स्प्रेड करना है इसको अच्छे से, देखिए, ताकि हीट जो है पूरे प्रोसेसर पे, जो इसका थर्मल इफेक्ट है वो पूरे प्रोसेसर पे जा सके। बहुत सेफली, बहुत जेंटली आपको इसको स्प्रेड करना है पूरे सीपीयू पे, पूरे प्रोसेसर पे आपको स्प्रेड करना है आराम से। टेक योर टाइम एंड जेंटली जस्ट अप्लाई दिस, क्योंकि रीज़न ये है गाइस कि दिक्कत क्या होती है ना कि लोग बाग बस सेंटर में आके छोड़ देते हैं, लेकिन सीपीयू जो होता है वो सारी चार हर तरीके से गर्म होता है, और परफॉर्मेंस तभी अच्छे से निकल कर आते हैं जब ये बहुत सावधानी से आपको करना है, ताकि ओवर भी ना हो जाए। भाई मेरे को आती नहीं आता, मतलब इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आती।
अब अपन लगाते हैं इस चीज को। अब हम लगाएंगे ये वाले इसके अंदर। बाकी मैं एक काम करता हूँ, बाकी का गेम प्ले आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मतलब पेश कर दूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, ठीक है, और कॉल ऑफ ड्यूटी का भी और बाकी की जो भी गेम में खेलने वाला हूँ सारी मैं आपको दिखाता हूँ रखने वाला हूँ हाई पे अल्ट्रा पे। अब देखिए सेटिंग करके फटाफट आपको दिखाता हूँ खेल के। ओ भाई इसके तो ग्राफिक्स देखो कितना सही चल रहा है। खेलते हैं दूसरी गेम कॉल ऑफ ड्यूटी। Welcome to the DMZ. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. ये देखो एक और ये गेम है गाइस, ये भी बहुत स्मूथ चल रही है हॉर्स वर्स की। इसके देखो कितने ग्राफिक कितने तगड़े जा रहे हैं सारे, और वॉइस और इसका साउंड जो है ना एक नंबर आ रहा है इसमें। हाँ जी, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कंप्यूटर अच्छा लगा हो, मेरा पीसी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना गाइज। और अगर किसी को कंप्यूटर बनवाना भी है ना तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, डीएम कर सकता है इंस्टा पे, क्योंकि जो मतलब पीसी असेंबलिंग करा दूंगा मैं उसके लिए, बहुत बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है ना। बाकी चलो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार दिखाने के लिए वीडियोज़ पे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना गाइज वीडियो, जिसको भी पीसी बिल्ड कराना हो या जो भी इंटरेस्टेड हो गेमिंग पीसी बिल्ड करने में। तो चलो बाकी मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुशियाँ फैलाओ, खुश रहो, बाय।